दोस्तों ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक की एक विख्यात दवा जो कि नोसोड है। नोसोड कई तरह के हैं होम्योपैथिक में, और नोसोड की सहायता से जटिल से जटिल रोगों को ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि नोसोड का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब मन किया जब ही नोसोड ले लिया। आप नक्स ओमेगा 30 दिन में 4 बार ले सकते हैं, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, क्योंकि वो पॉलीक्रेट्स मेडिसिन है, यानी कि लकड़ी जैसी जड़ी बूटियों से बनी हुई है। और जो नोसोड्स जो बने हुए हैं वो इन चीज़ों से नहीं बने हुए। वो अब मैं आपको कैसे समझाऊं, अभी मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। आज मैं आपको जिस नोसोड के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, होम्योपैथिक, इसका नाम है पाइरोजेनम। पाइरोजेनम 200 से कम इसको कभी काम में नहीं लेना चाहिए। 1000 में ले सकते हैं, 10000 में ले सकते हैं, और कम से कम 200 पावर, और 200 पावर के अंदर भी इसको बार बार रिपीट करना ठीक नहीं। एक खुराक दी नहीं फ़ायदा हुआ तो फिर 1000 की एक खुराक दे दें, फिर नहीं फायदा होता तो बंद कर दें। पाइरोजेनम सांड के सड़े हुए चर्बीहीन मांस से बनाई जाती है। ये औषधि बनाने के लिए इस मांस को 2 सप्ताह तक धूप में रखकर शक्तिकृत किया जाता है। इसको सड़े हुए पीप को शक्तिकृत करके भी बनाया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस औषधि का उपयोग विशेषकर उस रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है जब प्रसूत के ज्वर में एक के बाद दूसरी कोई सुनिश्चित औषधि का उपयोग करने के बाद भी जब रोग ठीक नहीं होता। ऐसी अवस्था के अंदर पाइरोजेनम 200 की एक खुराक देने से जो आप दवा देना चाहते हैं वो काम करेगी, या इसी से ही उसका बुखार ठीक हो जाएगा। डिलीवरी अथवा ऑपरेशन के बाद या किसी प्रकार की सड़ी हुई बदबू सूंघने से सारे शरीर का खून दूषित हो तब पाइरोजेनम औषधि का प्रयोग करने से रोगी को लाभ मिलता है। दूषित गंदगी या नालियों की गंदगी लगने के कारण उत्पन्न रोगों को ठीक करने के लिए पाइरोजेनम का प्रयोग किया जाता है। पाइरोजेनम औषधि का प्रयोग ऐसी बीमारियों को भी ठीक करने के लिए किया जाता है जो दूषित वायु, गैस और रक्त से दूषित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि किसी रोगी को अपना बिस्तर कड़ा महसूस होता है और जिस अंग पर अपना भार देकर सोता है उस अंग पर कुचलने या जख्म होने की तरह दर्द होता है, हिलने डुलने यह दर्द कुछ कम हो जाता है, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पाइरोजेनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इस औषधि का उपयोग शल्य चिकित्सा में भी किया जा सकता है। जब शल्यक्रम करने के बाद की अवस्था जिसमें खून दूषित हो जाता है और मवाद आना शुरू हो जाता है तो विभिन्न लक्षणों में पाइरोजेनम का प्रयोग करना चाहिए। पाइरोजेनम के रोगी की मन की स्थिति जो होती है, स्वभाव में उतावलापन और मानसिक असंतुलन होता है। रोगी अधिक बोलता है, रोगी ऐसा सोचता है कि उसके पास
बहुत अधिक धन है। तो मानसिक लक्षण बहुत मायना रखते हैं, बेचैन रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास बहुत सारे हाथ पैर निकल आए हैं। बोलो, रोगी को ये महसूस होता है कि उसके खुद के बहुत से हाथ पैर निकल आए हैं। कभी सुना आपने? लेकिन ऐसा रोगी सोचता है, ये गलत नहीं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वह जाग रहा है या नींद की अवस्था में है। इसके रोगी के सिर के जो लक्षण है, सिर में दर्द के साथ ही कंपन होता है, नथुनों में पंखे जैसी फड़फड़ाहट होती है, रोगी को बेचैनी होने के साथ ही सिर फाड़ देने जैसा दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए पाइरोजिनम 200 देना चाहिए। रोगी की जीभ लाल और सूखी रहती है, जीभ साफ फटी हुई तथा चिकनी दिखाई पड़ती है, गला सूखकर ऐसा लगता है कि वो बेलन के आकार हो गया। जीभ मिचलाने के साथ ही उल्टी आती है, जीभ का स्वाद सड़ा हुआ लगता है, सांस से तेज बदबू आती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए पाइरोजिनम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। रोगी की जो जीभ है बड़ी मुलायम साफ चिकनी महसूस होती है तथा जीभ आग की तरह सुर्ख और चिटकी हुई रहती है, बात करने में परेशानी होती है। जीभ का स्वाद मीठा या मवाद की तरह बदबूदार होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पाइरोजिनम देना चाहिए। पेट के लक्षणों में रोगी काफ़ी के तलछट जैसा उल्टी करता है, ऐसा लगता है जैसे आमाशय में पानी गर्म हो रहा और वैसे ही उल्टी आ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पाइरोजिनम का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों में मलांत दोनों में ऐसनीय ऐंठन होती है, पेट फूला हुआ जलन युक्त होता है, इसके साथ ही पेट में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए पाइरोजिनम का प्रयोग होना चाहिए। इसके मल के लक्षण, दस्त हो जाता है, मल से अधिक बदबू आती है, मल कथई काला होता है, पेट में दर्द होता रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है तथा मल मलाशय में जमने लगता है, जिसके कारण मल त्याग करने में परेशानी होती है। मल से काला सड़े हुए मुर्दे जैसा या छोटी छोटी काली काली गोलियों की तरह होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए पाइरोजिनम लाभदायक है। हृदय से संबंधित, हृदय का भाग, हृदय में कंपन होता है, हृदय का भाग अत्यधिक भरा हुआ महसूस होता है, रोगी हृदय की गति को साफ साफ सुन सकता है। नाड़ी अस्वाभाविक रूप से तेज शरीर के ताप के अनुपात में बहुत अधिक हो जाती है, बाएं सूचक के चारों ओर दर्द होता है, सेप्टिक बुखार से पीड़ित रोगी की दिल की धड़कन कम रहती है, ऐसा महसूस होता है जैसे दिल बैठा जा रहा हो, नब्ज की गति अनियमित हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए पाइरोजिनम का प्रयोग होना चाहिए। स्त्री रोगों में प्रसव होने के बाद पेट में सूजन आ जाना, अधिक बदबू आना, गर्भपात होने के साथ ही विषैला खून आना, मासिक स्राव बदबूदार होना, गर्भाशय से खून बहने लगना, गुप्त बस्ती गहरिये में जलन होने के कारण मासिक स्राव के समय बुखार आना, प्रसव होने के बाद दूषित रक्त का संक्रमण होता है, पथरी हो जाती है तथा इसके साथ ही जलन भी होती है, जलन की अवस्था के साथ ही स्राव होता है, शल्योत्तर अवस्थाएं फैल जाती है और साथ ही गंभीर विषैला खून शरीर में फैलने लगता है। गर्भाशय में यदि भ्रूण मरकर बहुत दिनों तक न निकले और सड़ता रहे तो उसे निकालने के लिए पाइरोजिनम औषधि लाभदायक है, लेकिन आप ये प्रयोग नहीं करें।
चिकित्सक की राय के बिना। प्रसव या गर्भपात के बाद यदि खेड़ी का कुछ भाग गर्भाशय के अंदर रह जाए और सड़े हुए सेप्टिक बुखार आ जाए तब इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रसव के बाद गर्भाशय में मैला पानी बहना, इसको लिकोरिया कहते हैं, उसमें बड़ी दुर्गंध रहती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पाइरोजेनम देना ठीक रहता है। ठंड लगकर के बुखार आना, इसके साथ ही विष रक्त बुखार उत्पन्न हो जाता है। गुप्त पूयजनक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। पीठ से ठंड लगना शुरू होता है। शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है। उच्च ज्वर के साथ अधिक मात्रा में गर्म पसीना आता है, लेकिन उससे भी बुखार कम नहीं होता। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पाइरोजेनम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में गर्दन की रक्त वाहिकाओं में कंपन होना, हाथों बाहों और पैरों में सुन्नपन होना, शरीर के सभी अंगों और हड्डियों में दर्द होना, सोने पर बिस्तर अधिक कठोर मालूम होना, सुबह के समय अधिक कमजोरी महसूस होना, शरीर में दर्द होना और गति करने से दर्द कम होना, शरीर में दूषित खून फैलने लगना जिसके कारण तेजी से उत्पन्न होने वाला पीठ में घाव जो बिस्तर पर सोने के कारण होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित उपचार के लिए पाइरोजेनम का प्रयोग करना चाहिए। चरम रोगों में चोट लग जाने पर त्वचा बुरी तरह से सूज जाती है, त्वचा पर जलन होती है, घाव हो जाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए पाइरोजेनम काम करता है। नींद के लक्षण, रोगी को ऐसा लगता है जैसे अभी नींद में है और सारी रात सपने देखता रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित का उपचार करने के लिए पाइरोजेनम का प्रयोग करना चाहिए। उल्टी से संबंधित यानी कि वोमिटिंग से संबंधित लक्षण, रोगी को उल्टी आती है और उल्टी में पित्त, खून, सड़ी हुई चीज़ें या काफ़ी के बुरादे जैसा पदार्थ निकलता है। पिया हुआ पानी पेट में गर्म होकर उल्टी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पाइरोजेनम देना चाहिए। कब्ज के लक्षण, रोगी का मल कड़ा, काला, सड़े हुए मांस की तरह बदबूदार, जैतून के फल की तरह गोल गोल, मैंगने की तरह होता है। इसके साथ ही कब्ज की समस्या हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पाइरोजेनम देना चाहिए। ठंड के लक्षण, ठंड के मौसम में कंधों के बीच में ठंड लगती है और ठंडी रजाई छूते ही जाड़ा मालूम होने लगता है। बिछोना कड़ा महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए पाइरोजेनम का प्रयोग करें। जब ठंड लगना शुरू होती है उसी समय से बार बार पेशाब आता है, गाल सुर्ख हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर 103 से 106 हो जाता है, नब्ज कमजोर और उसकी चाल 140 से 170 होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए पाइरोजेनम देना चाहिए। पसीना बहुत आता है, कमजोरी महसूस होती है, पसीने से बदबू आती है, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए पाइरोजेनम देना चाहिए। इसके रोगी की रोग वृद्धि, आँखों को चलाने से, गर्म कमरे के अंदर लेटकर उठने या बैठने से रोगों के लक्षणों में वृद्धि होती है। शमन यानी कि आराम, रिलीफ कैसे मिलता है, गर्मी से, गर्म पानी में नहाने से, पानी से आक्रांत स्थान को कसकर बांधने से, हाथ पांव को तान कर फैलाने से, चलने फिरने से, करवट बदलने से रोग के लक्षण कम होने लगते हैं। इसकी सहायक दवा कार्बोवेज, कार्बोलिक एसिड, ओपियम, सोरिनम, रस्टॉक, सिकेली, वेरेट्रम, आर्सेनिक, इसके बराबर की दवाइयां या इसके पीछे देने की, और पाइरोजेनम की डोज इन्होंने 6/30 पोटेंसी लिखा है। ये बहुत पहले की बुक्स है, इसका 200 से कम प्रयोग करना ही नहीं चाहिए और इसको दवा को बार बार दोहराने के लिए मना किया गया। अब मैं आपको ये जो मैंने इस दवाई के प्रारंभ के अंदर बताया
कि ये किस तरह से बनती है, तो इसको आप अपने दिमाग से निकाल के और यहाँ रख दो। ये बिल्कुल सेफ दवा है, बिल्कुल सेफ दवा है। जैसे नक्सोमिका है, ओपीएम है, इपिकाक है या डलका मारा जो भी है, वैसे बिल्कुल सेफ है। अब कोई दवा कैसे ही बने, आपको और मुझको उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये गंदी से गंदी चीज़ से बनी हुई दवा है, और कोई रोगी गंदी से गंदी चीज़ से उसको कोई शरीर में बीमारी है तो ये दवा उसको ठीक करती है। जैसे रोगी को गंदी बदबू महसूस होना, अपने मल में गंदगी सड़ी गली बदबू महसूस होना, उल्टी ऐसी जो मतलब आदमी देख नहीं सकता, सड़ी गली खराब से खराब जो चीज़ होती है, ऐसे रंग की उल्टी, ऐसे रंग का मल, तो ये दवा उनको ठीक करती है और रोगी को जीवन रक्षा देती है। पाइरोजेनम अगर इसका उपयोग सही तरीके से और समय समय पर और लक्षण मिलाकर अगर किया जाए तो पाइरोजेनम से आप कई रोग ठीक कर सकते हैं। बाकी अपने मन से इसका इस्तेमाल नहीं करें। ये 900 है, इसको बार बार नहीं लेना चाहिए। 200 पोटेंशियल लेने के बाद आपको लगे कि जो आपको प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको 20% आराम है, आप तुरंत 1000 की एक खुराक ले लें और चुपचाप बैठ जाएं, वक्त का इंतज़ार करें 1 महीने तक, उसके बाद अपने डॉक्टर से एडवाइज करें, अपने मन से इसको न लें। दूसरी बात मैं ये समझाना चाहता हूँ, इसमें नहीं लिखा, कहीं लोगों को हर समय वो कहते हैं कि हमें खुशबू के अंदर जो सांस लेते हैं वातावरण में और में, तो हमें हर चीज़ में बदबू महसूस होती। अभी एक मेरे पास इस तरह का पेशेंट है और मैं उसको पाइरोजेनम देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन उसके जो परिवार के हैं वो और उनसे डॉक्टर के पास पहुँच गए, तो मैं कोई जाके ज़बरदस्ती तो करूँगा नहीं कि भाई ये दवाई दो, करने दो उनको तैयारी। जब वो मेरे पास आएंगे, आयुर्वेद के अंदर क्या और होम्योपैथी के अंदर क्या, मैं एक आपको ऐसी बात बताता हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई, वो ये बात कि अगर कोई चिकित्सक है, जैसे मैं हूँ, मेरे भाई हजारों लाखों करोड़ों अरबों है, वो चाहे होम्योपैथी के हों, चाहे आयुर्वेदिक के हों, चाहे कोई चिकित्सा पद्धति के हों, जब तक कोई रोगी उनको पुकार करके नहीं कहे अथवा उसके अभिभावक आकर के नहीं कहे कि इसको दवा दीजिए, जब तक उसको दवा नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपके सामने तड़प करके मर रहा हो और आप जानते हैं कि इसमें से निकाल के एक गोली इसके मुंह में डाल देंगे तो इसकी तड़पन कम हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर आप कोई घोड़े पे बैठ करके जा रहे हैं, पहले घोड़े थे और आप वैद्य हैं, रास्ते के अंदर कोई रोगी पड़ा हुआ है, हाय मरा हाय मरा हाय मरा, तो एक मिनट के लिए वैद्य अपना घोड़ा रोक करके देखता है और वो सोचता है कि इसके ज़रूर पेट में दर्द है, मैं उतर करके इसको दवा दे दूँ। कुछ दवाइयाँ साथ रखते थे थैले में, लेकिन आयुर्वेद में श्लोक आया, नहीं, जब तक वो ये नहीं कहे कि मुझे कोई दवाई दो मेरे ये तकलीफ है, तब तक दवाई नहीं। अरे वो कोई लुटेरा भी हो सकता है, कोई डाकू भी हो सकता है, अगर वो वैद्य उसको दवा देने के लिए जाए और छुरे से वो उसको मार करके उसकी आंटी के पैसे ले जाए तो इसके अंदर कोई अहम की भाषा नहीं समझनी चाहिए। इतनी इज्जत चिकित्सक की होनी चाहिए कि चिकित्सक को कोई जाके कहे मुझे तकलीफ़ है,
तो वो उसको दवा दे, और जब तक वो रोगी नहीं कहे तो बीच में चिकित्सक को ये नहीं कहना चाहिए उनकी बातचीत में कि तेरे को जो बीमारी है उसका इलाज मेरे पास है, मैं तेरे को दवाई दूंगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी मत करो, आपकी वैल्यू कम होगी, आपकी दवा की वैल्यू कम होगी, ऐसा कदापि न करो। हालांकि कोई मरता है तो उसकी जान बचाना एक धर्म का काम है, लेकिन कुछ जो नियम हैं उनका पालन होना चाहिए।